गुड मॉर्निंग क्लास फोर। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को एक पोएम पढ़ाया था, ठीक है ना। वो पोएम मैंने सिर्फ रीड किया था और मैंने बोले थे जब नेक्स्ट क्लास होगा तो मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगी। आशा है तुम लोगों ने वो पोएम पढ़ा होगा। और मैंने तुम्हें जो जो लास्ट लाइव क्लास में जो बताया था कि किस तरह तुम एक कॉपी बनाओगे, ठीक है, और उसमें क्लास वर्क लिखोगे। और अभी तुम्हारा वर्क क्या है कि तुम्हारे पास अगर बुक नहीं है तो मैं ये क्लिक करके तुमको इस बुक का पेज जो है वो भेज दूंगी। तो तुम्हारा वर्क पहले है कि तुम एक नया पेज लोगे, उस नए पेज में जो ये पोएम है प्रकृति का संदेश, देखो वो फर्स्ट पेज है तुम्हारा, फर्स्ट चैप्टर है। तो उस चैप्टर को तुम क्या करोगे, उस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू बुक, जैसे प्रकृति मतलब क्या है, पहाड़ है, झरना है, पेड़ है, पौधे हैं, तो तुमको जो भी इजी लगे उसी के अनुसार तुम एक पेज में अच्छी तरह से उसका ड्राइंग करोगे। ओके, ड्राइंग भी क्या है, वो ड्राइंग जो मिला वही नहीं, बुक में जो प्रकृति मीन्स नेचुरल, जो नेचर का जो थिंग है, नेचर मीन्स हमारे आसपास जो पहाड़ है, पर्वत है, और जो इस पोएम में तुमको जो बताया गया है, इस पोएम में जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू दैट बहुत इजी तरीके से तुम कोई भी एक पेज में ड्राइंग करना। ड्राइंग जब करोगे तो वहाँ पे तुम पेज जैसे रेड लाइन जो होती है, हम लोग सिंगल लाइन कॉपी में करते हैं ना, हिंदी कॉपी, तो वहाँ पर तुम क्या लिखोगे, क्लास वर्क लिखोगे। और उस पेज में तुम क्या करोगे, अपना चित्र बनाओगे। चित्र भी कैसा बनाओगे, पहाड़ हुआ, झरना हुआ, ठीक है, जैसा तुम एक नेचर में जो चीज़ होता है वही तुम वहाँ पर बनाओगे। और जो भी हम लोगों का लाइव क्लास होता है वो उसको तुम क्लास वर्क लिखोगे। ओके, वहाँ पे तुम लिखना क्लास वर्क डेट और उस क्लास वर्क को करना जो कि मैं लाइव क्लास में कराती हूँ। और होमवर्क, जो होमवर्क कहाँ पर लिखोगे, जहाँ मैं तुम्हें व्हाट्सएप में जो वर्क दूंगी वो तुम्हारा होमवर्क होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, तो उसी तरह तुम इस काम को करोगे। जब भी तुम वीडियो देखोगे मेरा और उस वक्त तुम उसको क्लास वर्क लिखना, और जब तुम व्हाट्सएप में जो काम करोगे उसको तुम क्लास वर्क लिखना। समझ में आया, क्लियर। तो अब क्या करना है, तुम एक पेज में तुमको उस तरह ड्राइंग करना, और दूसरे पेज में जैसे मैं क्लास में करवाती थी तुम लोगों को पोएम लिखने के लिए, तो उसी तरह तुम पोएम लिखना, ठीक है। पोएम लिखने के कभी भी कवि को मत छोड़ना, पहले प्रकृति का संदेश नाम लिखना, उसके बाद कवि का नाम लिखना, उसके बाद पोएम को स्टार्ट करना, ठीक है। तो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो कोई भी लाइन लीव नहीं करके लिखना, और जो जिस जो थोड़ा सा जिसका हैंडराइटिंग कुछ अच्छा नहीं है वो वन लाइन लीव करके इस पोएम को कंप्लीट करना। तो आज मैं तुमको पोएम को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये प्रकृति का संदेश हमें क्या सिखा रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमारे जो आस पास की जितने भी चीज़ है हमें, वो हमें क्या करती है, कुछ न कुछ हमें शिक्षा देती है। तो ये पोएम जो है प्रकृति का संदेश, इसमें हमें पहाड़ है, पर्वत है, पृथ्वी है, झरना है, ये हमें क्या कहती है, तो इसमें हम लोग यही सीखते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति के संदेश में सबसे पहले बोलता है पर्वत कहता शीश उठाकर, जो पर्वत होता है उसकी क्या होती है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। शीश उठाकर, शीश मतलब सर, हम लोगों का सर जो होता है, तो हर वक्त पर्वत हमें क्या सिखाती है, जब तुम पहाड़ देखते हो तो वो क्या सिखाती है, शीश उठाकर कि तुम भी ऊंचे बन जाओ, यानी कि जिस तरह पहाड़ का हाइट है, ठीक है, उसी तरह तुम ऊंचे बन जाओ। ऊंचे मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हाइट बढ़ते रहे, क्या है, तुम्हारा विचार जो ऊंचा हो, क्लास में तुम अच्छा वॉक करो, ठीक है, तुम्हारा तुम जैसे अभी क्लास वन से टू में गए, टू से थ्री में गए, उसी तरह तुम ऊपर ऊपर उठते जाओ। ऊंचा मतलब सिर्फ हाइट बढ़ना नहीं, ठीक है। तो पर्वत हमें वही सिखाता है कि तुम जिस तरह पर्वत ऊंचा है उसी तरह क्या करो, तुम अपना सर को ऊंचा करते हुए आगे बढ़ते जाओ, इसका मतलब वही सिखाता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर को देखे, सागर मीन समुद्र, ओशन जिसको बोलते हैं, वो क्या करती है, उसका वेव आता है फिर पीछे चले जाता है, लेकिन सागर जो है तुम्हें मालूम है उसका डेप्थ जो होता है, उसका जो गहराई मतलब वो कितना नीचे तक है। उसी तरह जब भी तुम कुछ काम करते हो उसको मन से करो, अपने मन के अंदर से करो,
समझ में आ रहा है मेरी बात? उसको एकदम जैसे पढ़ाई किया तुमने, तो उसको समझो, उसको समझ कर उसके पढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं कि तुम मुँह मुँह में पढ़ लिए और तुम्हारा मन दूसरी तरफ है, वैसा नहीं। तो सागर हमें क्या सिखाता है कि कोई भी काम तुम करो, एकदम मन के भीतर से उसको फील करके करो। क्या है? तो पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। ठीक है, तो ये चार जो लाइन है ये हमें इसी प्रकार की शिक्षा देती है। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। अब देखते हो, जैसे अभी मैंने बताया सागर का जो डेप्थ होता है यानी कि गहराई होती है, वो हमें सिखाती है क्या करो, मन में गहराई लाओ, यानी कि कोई भी जो काम तुम करो तो मन के अंदर से करो। और ये तरल तरंग मीन्स क्या है, जैसे वेव आती है समुद्र में, तो गई होगी वेव, एक बार आती है फिर पीछे चली जाती है, फिर आती है फिर पीछे चली जाती है। तो वेव हमें क्या सिखाती है कि तुम कोई भी काम अगर तुम करो उसको क्या करो, पूरे जोश के संग में करो। चाहे तुम हार रहे हो चाहे जीत रहे हो, इसकी तुम क्या करो, कोई भी इसका मन में ये नहीं रखो कि मुझे क्या करना है। अगर तुम एग्जाम में कमती मार्क्स लाए तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम तुम क्या करो, उसको और ज़्यादा जोश के संग में और अच्छा करने की कोशिश करो। तो ये क्या कहती है, हमें यही सिखाती है। ओके, नेक्स्ट लाइन में है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार, नव कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी जो, अभी देखो हम लोग पृथ्वी के ऊपर ही खड़े हुए हैं ना, ये क्लास जो है वे पृथ्वी के ऊपर ही है, बेंचेस जो है वे पृथ्वी के ऊपर में, हम लोग चल रहे हैं, इतने सारे घर है, इतने सारे क्या होती है ये मोटर कार है, गाड़ी है, ट्रक है, सभी चल रही है, लेकिन पृथ्वी कभी भी नहीं बोलती है कि मैं थक गई हूँ, ठीक है, मैं इतना भार अब सह नहीं सक रही हूँ। उसी तरह तुमको क्या करना है, अब तुम्हारे देखो तुम स्टूडेंट हो, सबका अपना अपना काम होता है, तो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा फर्स्ट काम क्या है, पढ़ना। तो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, तो तुमको भी कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास तो इतने सारे सब्जेक्ट है, मैं आज ये पढ़ूंगा, थक गया हूँ, मैं कल वो पढ़ूंगा, वैसे नहीं। जिस तरह पृथ्वी कभी नहीं बोलती है कि मैं थक गई, तो उसी तरह तुमको क्या करना है, एक रूटीन बनाना है, आज तुम्हें थोड़ा सा करना है, कल थोड़ा सा, लेकिन पढ़ना ही तो है ना। जैसे कोई भी सब्जेक्ट भी अच्छा बुरा नहीं होता, उसको तुमको क्या करना है, ट्राई करना है, पढ़ना है। तो कभी भी नहीं बोलना मेरे सर पे इतना भार है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। एज ए स्टूडेंट तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना है। और क्या बोलते हैं, नव कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। जिस नव मीन्स आकाश है ना, आकाश का अंत कभी देखे हो तुम, कहाँ से कहाँ तक है। हम लोग जो देखते हैं, हम जब आँख उठाकर देखते हो तो आसमान क्या है, पूरा फैला हुआ है ना, उसका अंत नहीं है। उसी तरह तुम भी अपने नाम को इतना ऊंचा करो, इतना ऊंचा करो कि इस नाम ऊंचा करना मतलब ये नहीं है कि तुम जहाँ पर भी नाम लिखो, नहीं, तुम जिंदगी में इतने आगे बढ़ो कि तुम्हारा नाम क्या करे, सब ले। जैसे अभी हम लोगों के नरेंद्र मोदी जी है, सब उसे पहचानते हैं, वो हमारे रिलेटिव है नहीं, लेकिन हम लोग क्यों पहचानते हैं, क्योंकि वे एक ऊँचाई पर पहुँच गए हैं, है ना। जैसे हीरो लोगों को तुम लोग पहचानते हो, ठीक है, तो वो हमारे कोई रिलेटिव नहीं है, लेकिन हम उनको पहचानते हैं, क्यों, क्योंकि उसने अपना नाम इतना ऊंचा कर लिया है कि एक एक लोग उन्हें पहचानते हैं, ठीक है। तो ये पोएम हमको, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तुम्हें, ये पोएम ये हमें यही बताती है। तो इस पोएम को तुम क्या करना है, अच्छी तरह से इसको याद करना है, और याद सिर्फ वो बाय हार्ड नहीं, तुमको उसको समझना भी है एक एक, जैसे पृथ्वी का स्पेलिंग थोड़ा हार्ड है, तो तुम उसको क्या करना है, पढ़ना भी है उसको, उसका स्पेलिंग उच्चारण के साथ उसको तुमको लिखना भी है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया तुमको होमवर्क क्या करना है, तुमको एक पेज में ड्राइंग करना है, दूसरे पेज में तुम क्या करना है, पोएम लिखना है, और पोएम लिखने के संग संग में उसको याद भी करना है। ओके बच्चों, तो यही है आज तुम्हारा काम। थैंक यू सो मच।